हम ना सबसे बड़े मुल्क हैं ना सबसे अमीर, आधी दुनिया हमें जानती भी नहीं है। फुटबॉल हमारी पहचान बना सकती है। क्योंकि सारी दुनिया फुटबॉल खेलती है, इसलिए अगले 10 साल तक इंडिया को एक वर्ल्ड क्लास टीम बनाने की बात याद रखनी चाहिए। ट्रस्ट मी, दिस इज जस्ट द बिगनिंग ऑफ द गोल्डन ईरा ऑफ इंडियन फुटबॉल। सौत है हमारी आपकी ये फुटबॉल, बन गई आपकी टीम। रविंद्र जी, मैं ऐसे प्लेयर्स ढूंढ रहा हूँ जिन्हें मैं किसी भी पोजीशन पे खिला सकूं, लेकिन हमें गोलकीपर थोड़ा लंबा चाहिए। अगर आप लोगों को एशियन गेम्स में जाना है तो अपने गेम का लेवल ऊंचा करना होगा। मैंने सुना तो कि सिकंदराबाद का झोपड़पट्टी से किसी लड़का को उठा लिया है। 19 साल का एक लोकल टूर्नामेंट खेलने वाला लड़का को स्ट्राइकर का पोजीशन पे। किसी को भी आपका जीतने का उम्मीद नहीं है। मुझे लगता है कि हम दुनिया की कोई भी टीम को हरा सकते हैं। और हार के वापस आ गए तो मैं दोबारा कभी किसी टीम को कोच नहीं करूंगा। आपके सपने की कीमत आपने अकेले नहीं चुकाई है, यह हम सबका सपना था। सरकार को तुमसे मेडल की कोई उम्मीद नहीं, जीत पाओगे। सोचेक समझेक दिल्लीक, इसलिए आज मैदान में उतरना क्या रहा, लेकिन दिख रहा।